दूसरे बार के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार? जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आपको बताते चले कि आज अफगानिस्तान और भारत का मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला 2 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेश के विरुद्ध पहले मैच में हार झेलने वाली अफगानिस्तानी टीम के लिए भारत से पार पाना बेहद मुश्किल होगा। बांग्लादेश के स्पिनरों के सामने गुरबाज को छोड़कर बाकी बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध गेंदबाजी की, उसे देखते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए काफी चमत्कार करना पड़ेगा, यानी कि काफी चमत्कार की आवश्यकता होगी अगर टीम इंडिया के खिलाफ उनको जीत दर्ज करनी हो तो। विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को चित करने वाली भारतीय टीम अब दूसरे बार के लिए तैयार है। टीम इंडिया सोमवार को दिल्ली पहुंच गई थी, जहां अरुण जेटली स्टेडियम में आज उसका सामना अफगानिस्तान की टीम से होगा। वहीं अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मुकाबले में केवल 2 रन पर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए थे। ईशान रोहित और श्रेयस 0 पर आउट हो गए थे। विराट कोहली और केएल राहुल ने सूझबूझ भरी पारी खेली, टीम को बचाया भी था। दिल्ली की पिच से आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ था ही नहीं। पिच पर घास जरूर दिख रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे थे। अगर बुधवार को भी इसी पिच पर मैच खेला जाता है तो भारतीय बल्लेबाजों को यह खासा रास आएगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की पिच जो स्पिनरों के लिए मानी जाती है, उस पिच पर जिस तरीके से एडिन मार्करन जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, उन्होंने 2011 में जो केविन ओब्रायन ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया था, 50 गेंदों पर उन्होंने शतक जड़ा था, उस रिकॉर्ड को उन्होंने ध्वस्त किया। दूसरा रिकॉर्ड जो था वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मैक्सवेल के नाम था, उन्होंने 51 बॉलों पर शतक जमाया था। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से एडन मार्करन ने शानदार बल्लेबाजी की और 49 बॉलों पर अपना शतक पूरा किया था, यानी कि पिच पे अगर टीम इंडिया खेलती है तो टीम इंडिया के लिए एक रन बरसाने के लिए भरपूर मौका होगा। यानी कि आप हर तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध शनिवार को होने वाले सबसे बड़े मुकाबले से पहले रोहित, ईशान और श्रेयस के पास लय पाने का बेहतरीन अवसर होगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से 2019 वर्ल्ड कप में कांटे की टक्कर जो हुई थी अफगानिस्तान की टीम से, यानी कि हम अफगानिस्तान की टीम को कम नहीं आंक सकते। उनके पास भी एक से एक ऑलराउंडर हैं, एक से एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, चाहे करामाती खान, राशिद खान की बात कर लें, चाहे नबीनुल हक की बात कर लें, चाहे फजल हक फारूकी की बात कर लें, चाहे बैटिंग में आप नबीलू जाडरान को ले लें या गुरबाज को ले लें, रहमत साहब को ले लें, यहाँ तक कि जो 7 नंबर पर खेलने आते हैं राशिद खान, उनके पास भी दमखम है काफ़ी बल्लेबाजी करने का। 2019 के वर्ल्ड कप में 22 जून को टीम इंडिया का आमना सामना अफगानिस्तान से हुआ। ये मैच द रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया था। आपको बता दें इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए 225 रन का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान की टीम ये मैच आखिरी ओवर तक ले गई थी। क्रीज पर मोहम्मद नबी नाबाद 48 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर भारतीय टीम को 11 रनों से रोमांचक जीत दिलाई थी। यानी कि भारत बनाम जो अफगानिस्तान का मैच होना है, उसमें अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकामयाब रही है। यानी कि अफगानिस्तान की टीम इंडिया को कभी भी पराजित नहीं कर पाई है। अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 वनडे मैच खेले गए हैं। इस दौरान दोनों टीमों के बीच जो पहला मैच हुआ वो मार्च 2014 में खेला गया था। ये मैच टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता था। वहीं दूसरा मैच सितंबर 2018 में खेला गया था, ये मैच टाई रहा। इसके बाद दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप में भिड़ी थी। इस वर्ल्ड कप की बात की जाए अफगानिस्तान को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अगर बात की जाए अफगानिस्तान के पास जो स्पिन तिगड़ी है वो उनकी सबसे बड़ी आप ये कह सकते हैं कि ताकत है। जिस तरीके से करामाती खान यानी कि राशिद खान की अगर बात की जाए तो राशिद खान ने अभी तक 95 वनडे मैचों की 90 पारियों में 172 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो रहा है वो 18 रन पर 7 विकेट हैं। वहीं अगर बात की जाए मुजीबुर रहमान यानी कि मुजीब को आप देखते होंगे पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए, मुजीब भी एक अच्छा दमखम रखते हैं और जिस तरीके से वो बल्लेबाजों के ऊपर अपने आप को फेंकते हैं, जो गेंद फेंकते हैं, जो गुगली फेंकते हैं, उससे बल्लेबाज काफ़ी हद तक परेशान भी होते हैं। तो मुजीब
के खाते में कुल 67 मैचों की 66 पारियों में 93 विकेट हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं, यानी कि वो बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं। नबी के नाम 148 मैचों की 143 पारियों में 154 विकेट है। वहीं नबी की बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक शतक और 16 अर्ध शतक की मदद से नबी ने 3147 रन भी बनाए हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आपके गेंदबाज चाहे बात कर लें चाहे बल्लेबाज की बात कर लें, हर कोई बेहतरीन फॉर्म इस समय है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 2 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया के विराट कोहली यानी कि जो रन चेज मास्टर हैं, जो क्लासिकल केएल राहुल हैं, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। उस मैच में जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की थी, मोहम्मद सिराज ने बढ़िया गेंदबाजी की, आप बात करें चाहे जसप्रीत बुमराह की, तो यानी कि आपकी पूरी टीम बढ़िया फॉर्म में चल रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से आपका ओपनिंग है तो ओपनिंग जोड़ी जिस समय सुमन गिल संभाल रहे थे शायद उस समय टीम इंडिया अपने आप को ज़्यादा महफूज पा रही थी, लेकिन जिस तरीके से सुमन गिल को डेंगू के चलते वो पहले मैच में बाहर रहे, दूसरे मैच में बाहर रहेंगे, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या पता सुमन गिल 14 तारीख जो सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ उसमें भी बाहर रहे। क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कल एक अपडेट आया था और उस अपडेट में ये था कि सुमन गिल को मेडिकल टीम की निगरानी के बीच रखा गया, यानी कि चेन्नई में उनका इलाज चल रहा है और डेंगू से ग्रसित हैं। देखिए वर्ल्ड कप का हर मैच दिलचस्प होता है, लेकिन वो मैच जब टीम इंडिया का हो, खास करके जब पाकिस्तान के विरुद्ध हो, तो दर्शकों में एक अलग रोमांच देखने को मिलता है। वैसे बहुत दिन नहीं है, शनिवार को यानी कि 14 तारीख को टीम इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा अहमदाबाद में, लेकिन जो कल मैच होने वाला है यानी कि जो मैच दिल्ली में होगा अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होगा, ये भी इस पर आप ये सब देख सकते हैं कि इस पर टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो रन बरसते आते हुए दिख सकते हैं आपको, यानी कि चौके छक्कों की बरसात वहां पर देखी जा सकती है। फिलहाल वर्ल्ड कप की हर खबर के लिए, हर मैच, हर रिकॉर्ड के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।